देखिए हम लोग पिछले 22 अगस्त से जो है राजनीतिक के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हम लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दी है सरकार, और भीख के रूप में हम सरकार से वेतनमान की भीख मांगते हैं कि भाई आपने वेतनमान का मसौदा तैयार किया था, प्रस्ताव तैयार किया था, आप गेट पास वाले शिक्षकों को वेतनमान भीख के रूप में दे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज भिक्षाटन कार्यक्रम का कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग एल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, वापस आने के बाद महामहिम राष्ट्रपति यहाँ भीख के रूप में वेतनमान की मांग रखेंगे। कितने दिन हो गए आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं? आज 15वां दिन है हमारा, और पिछले 15 दिनों से हम लोग सरकार के तमाम विधायकों मंत्रियों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनके संज्ञान में मामला दे रहे हैं कि भाई इस तरह की बातें हैं, आपने ही 9 जून 2020 को कमेटी बनाई थी और कमेटी की अनुशंसा थी कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान देंगे। आप ही के सरकार के द्वारा महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया था कि भाई महाधिवक्ता ने भी स्पष्ट परामर्श दिया था कि भाई ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर जो है उनको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। तो ये सरकार जो वादा करके आई थी कि 3 माह के भीतर टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, 4 साल बीतने को है लेकिन सरकार वेतनमान की मार्ग को प्रशस्त नहीं कर रही है, इसीलिए हम लोग आज भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। स्टूडेंट लाइफ में शिक्षक का बहुत महत्व होता है, शिक्षक दिवस और शिक्षक ही रोड पे। बिल्कुल, ये सरकार को सोचने वाली बात है, और कहीं ना कहीं हमने 15 दिन का उनको अवसर दिया था कि शिक्षक दिवस से पहले, और हमने ये घोषणा भी की थी मंच के माध्यम से कि भैया शिक्षक दिवस के पूर्व आप हमसे वार्ता कर लीजिए, हमारी मांगों का समाधान कर दीजिए, हम शिक्षक दिवस जो है अपने अपने विद्यालय में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये सरकार सुनने वाली है नहीं, सुन ही नहीं रही है, तो हम क्या करें? दिवस है, शिक्षक दिवस को भी इस तरह से सड़कों पर सेलिब्रेट कर देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।